साठ हजार में से नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड का दस परसेंट होगा कैपिटल एम्प्लॉय इन टू एनआरआर यानी कि पांच लाख का दस परसेंट पचास हजार तो सुपर प्रॉफिट कितना आया दस हजार सुपर प्रॉफिट कितना है? आया दस हजार इसका आंसर है दोस्तों बी बी दस हजार अगला एमसीक्यू उम्मीद करता हूं आपको बातें समझ में आ रही होंगी थर्टीन एमसीक्यू 13 में वो बोल रहा है एवरेज प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस ओवर द लास्ट फाइव इयर्स वर सिक्सटी वो कह रहा है एवरेज प्रॉफिट साठ थे नॉर्मल यील्ड ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इन सच अ बिजनेस इज एस्टिमेटेड एट टेन

तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है दोस्तों एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट अब यहां पे सबसे पहले निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट दे रखा है आपको साठ हजार साठ हजार इसमें से माइनस करेंगे माइनस करेंगे सुपर प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट कैसे सॉरी इसमें से माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है कैपिटल एम्प्लॉयड इन में एनआरआर दस पांच लाख का दस परसेंट होता है पचास हजार तो ये आ गया आपका सुपर प्रॉफिट दस हजार

वो आपकी एट्टी फाइव थाउजेंड है इंक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स मैं आपको बता दू गुडविल निकालते टाइम फिक्टिशियस एसेट्स काउंट नहीं होती तो मैं इसको फाइव थाउजेंड को काउंट ना करके एट्टी थाउजेंड ही काउंट करूंगा कि 85 में से fictitious assets हटा दूंगा, गंदी गंदी एसेट होती है वो नेट लाइबिलिटीज ऑफ द दर थर्टी थाउजेंड लाइबिलिटी थर्टी थाउजेंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है टेन परसेंट एवरेज प्रॉफिट ऑफ द दम इज एट थाउजेंड तो वो क्या पूछ रहा है वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट सिंपल मेथड है दोस्तों कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से जो गुडविल निकलती है वो होती है सुपर प्रॉफिट इनटू हंड्रेड अपॉन एनआरआर इनटू हंड्रेड अपॉन नेट रेट ऑफ रिटर्न या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सुपर प्रॉफिट कैसे आता है सुपर प्रॉफिट आता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट तो एवरेज प्रॉफिट देखते हैं कितना दे रखा है एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 8000 8000 8000

आंसर आ रहा है दोस्तों आपका बी थर्टी थाउजेंड मैं बता रहा हूं अगर वीडियो स्पीड में लगे तो उसको बैक एंड फोर्थ करके आप बार बार देख सकते हो ठीक है क्योंकि हमें मैक्सिमम एम कवर करने हैं तो स्पीड को हम स्लो नहीं कर सकते अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे फिफ्टी क्वेश्चन द टोटल कैपिटल इन द फर्म इज एट लाख रुपीज वो कह रहा है टोटल फर्म की कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो आठ लाख रुपए है नॉर्म रेट ऑफ रिटर्न परसेंट एन आर आर फिफ्टीन परसेंट है एंडिट ऑफ लास्टिट फॉर दर इज वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड प्रॉफिट दे रखा एक लाख बीस हजार वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन मैथड वुड भी value of goodwill as per capitalization method would be, अच्छा वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन मैथड वुड भी तो बहुत आसान है दोस्तों capitalization method का फॉर्मूला होता है माइनस एक्चुअल तो कैपिटलाइज वैल्यू कैसे आती है कैपिटलाइज वैल्यू आती है आपके एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके एवरेज प्रॉफिट को आप कैपिटलाइज करोगे तो ये हो जाएगा इंटू हंड्रेड अपॉन एनआरआर इंटू हंड्रेड अपॉन एनआरआर ये हो जाएगा इंटू हंड्रेड अपॉन फिफ्टीन माइनस करेंगे इसमें से एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड होता है दोस्तों दे रखा है आपको आठ लाख रुपए आठ लाख रुपए निकालते हैं आंसर कितना आ रहा है

ज कैपिटल इंप्लाइड चार लाख एंड द नॉमल रेट ऑफ रिटर्न इज फिफ्टीन परसेंट एवरेज प्रॉफिट एटी थाउजेंड पर एन एम इफ मैनेजमेंट कॉस्ट इज एस्टिटेड एट टेन थाउजेंड पर एन एम ऑन द बेिस ऑफ टू ईस पर वैल्यू ऑफ गुडविल विल तो वो कह रहे हैं गुडविल निकालो मुझे बताओ ना सुपर प्रॉफिट मैथड से गुडविल का फॉर्मुलॉफिट इन टू नंबर ऑफ इयर परचेज सुपर प्रॉफिट कैसे आता है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको शायद दे रखा है एटी थाउजेंड ठीक है माइनस करेंगे इसमें से सुपर प्रॉफिट चार लाख का पंद्रह परसेंट ये, ये होता है आपका साठ हजार बीस हजार आ गया आपका आंसर आ रहा है दोस्तों अरे वाह चालीस हजार तो ऑप्शन में ही नहीं है ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है फिर से निकालते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पंद्रह परसेंट तो कैपिटल एम्प्लॉयड का पंद्रह परसेंट होता है पंद्रह सौ का साठ हजार ठीक है और प्रॉफिट ऑफ द फॉर्म आपका एक्चुअल प्रॉफिट है अच्छा मैनेजमेंट कॉस्ट हमने माइनस नहीं करी दोस्तों ये एक्चुअल प्रॉफिट में से मैनेजमेंट कॉस्ट माइनस हो जाएगी दस हजार की यह सत्तर हजार आएगा आपका एक्चुअल प्रॉफिट सत्तर माइनस साठ दस हजार इंटू दो बीस हजार आंसर आ रहा है बीस हजार आएगा दोस्तों आपका आंसर सुपर प्रॉफिट मेथड से मैनेजमेंट कॉस्ट एवरेज प्रॉफिट में से माइनस हो जाती है

दोस्तों अगर मैं पहले एवरेज निकाल लू तो मेरे लिए आसान रहेगा एवरेज प्रॉफिट बीस हजार आएगा ठीक है एवरेज प्रॉफिट बीस हजार आगे वो बोल रहा है कैपिटल इन्वेस्टमेंट साठ हजार नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दस परसेंट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ ऑफ सुपर प्रॉफिट तो सबसे पहले निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दस है तो यह आएगा छ एवरेज प्रॉफिट बीस था माइनस छ चौदह सुपर प्रॉफिट इन टू थ्री फोर्टी का कितना होता है 42 दोस्तों बयालीस हजार आंसर आएगा इसका इसका आएगा आपका फोर्टी टू थाउजेंड मैं फिर से बोल रहा हूं अगर आपको स्पीड ज्यादा लगे मैक्सिमम एमसीक्यू कवर करने की वजह से तो आप इसको बैक एंड फोर्थ करके देख सकते हो तो बयालीस हजार आ गया आपका आंसर बी ट्वेंटी एस सुपर टेक इंडिया हैज एसेट्स ऑफ फाइव लाख रुपीज वो कह रहा है पांच लाख की एसेट्स लाइबिलिटीज आर लाइबिलिटीज आर पार्टनर्स की कैपिटल है तीन लाख पचास जनरल रिजर्व साठ ऑलरेडी दे रखी है वो पूछ रहा है एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना होगा एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना होगा तो यहाँ पे सबसे पहले गुडविल का फॉर्मला लगाओ देखो नाइनटी थाउजेंड इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट इन टू इन टू टू ईयर परचेज ठीक है तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे अपना सुपर प्रॉफिट देखो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया दो तो से डिवाइड करो नब्बे को फोर्टी फाइव थाउजेंड का सुपर प्रॉफिट आ रहा है राइट पैंतालीस हजार अब आपको लगाना है सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट तो सुपर प्रॉफिट कितना निकाला आपने फोर्टी फाइव थाउजेंड इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा

अब इसको हम भेज देंगे इधर तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 45 फाइव प्लस फोर्टी वन एट्टी सिक्स थाउजेंड दोस्तों आंसर आ रहा है आपका एट्टी सिक्स थाउजेंड ई आंसर है ठीक है इसको रिपीट कर लेना वीडियो को ताकि आपको समझ में आ जाए अब हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों अब हम स्टार्ट करेंगे आपके फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप से चैप्टर यहां पे आपका चेंज हो रहा है गुडविल आपका समाप्त हो चुका है तो दोस्तों पार्टनरशिप पहला क्वेश्चन स्पीड थोड़ी सी तेज रह सकती है बट आपको देखना होगा पहला इन दस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ ही नहीं होता तो नॉट अलाउड है अब कोई नहीं लगता इंटरेस्ट कैपिटल पे लोन पे लगता है छह परसेंट

ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल 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 के अलावा एडिशनल एडिशनल और आपकी कैपिटल विड्रॉन कैपिटल विड्रॉन ये दो चीजें आती है बस अब देखो है फ्रॉम प्रॉफिट्स ना ड्रॉइंग फ्रॉम कैपिटल यस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं ऑल नहीं ड्रॉइंग फ्रॉम कैपिटल कैपिटल विड्रॉन और आपके एडिशनल कैपिटल इसके अलावा कुछ नहीं आता अगला इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी क्रेडिटेड टू यार इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट तो पार्टनर्स लोन में क्रेडिट होगा ना देखो कहा है पार्टनर्स लोन ए ही है ये आपका आंसर है पार्टनर्स लोन अकाउंट लाइबिलिटी बढ़ती है की ऑफ ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट एन तो अप्रोपरिएशन कौन सा नहीं है अप्रोपरिएशन क्या होते हैं दोस्तों आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी टू टू अ अ पार्टनर पार्टनर रेमुनरेशन जनरल रिजर्व्स अब देखते हैं क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं ये नहीं है सैलरी भी अप्रोप्रिएशन होता है कमीशन टू ऑफ पार्टनर भी अप्रोप्रिएशन होता है लेकिन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अप्रोप्रिएशन नहीं होता ये एक चार्ज होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आंसर है आपका डी फॉलोइंग आर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म एक्सेप्ट वो कह रहा है पार्टनरशिप फॉर्म के ये सारे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं फीचर्स हैं एक को छोड़ के किसको छोड़ के देखते हैं एटलीस्ट टू परसेंट हाँ बिल्कुल ठीक है होने चाहिए देर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स होना चाहिए इक्वल इक्वल शेयर नहीं दोस्तों एग्रीड शेयर होता है अरे अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है तो वही उसी में तो प्रॉफिट बटेंगे ऐसे थोड़ी कि इक्वली बटेंगे बिल्कुल वो लगा के बैठा है करोड़ की कैपिटल ये लगा के बैठा है चार लाख की कैपिटल बराबर कैसे हो जाएगा तो इसका आंसर होना चाहिए दोस्तों सी क्योंकि पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज फॉर सम लॉफुल बिजनेस ये भी ठीक है होता है लेकिन जो तीसरा इक्वल शेयर नहीं होना चाहिए एग्रीड शेयर होना चाहिए प्रॉफिट का राइट टू रिसीव सैलरी एट द एंड यही है आंसर दोस्तों सैलरी तो अग्रीमेंट में लिखी होनी चाहिए राइट right, थोड़ी है पार्टनर का कि धरने बैठ जाएगा मैं तो सैलरी लेके रहूंगा बताओ क्या कर लोग द रिलेशन ऑफ पार्टनर विद द फर्म इज दैट ऑफ वो कह रहा है पार्टनर्स का फर्म से रिलेशन कैसा होता है ओनर का एजेंट का या ओनर एजेंट दोनों का दोनों का ओनर का भी एजेंट का भी एक पार्टनर ने कह दिया तुझे ये काम करना है तो करना है वो कहेगा हाँ ठीक है मालिक अगर इसने उसको कह दिया तुझे ये काम करना है तो करना है तो ये भी कहेगा ठीक है मालिक तो दोनों का जो रिलेशन होता है कैसा होता है एजेंट और आपका ओनर का यानी कि एजेंसी रिलेशनशिप म्यूचुअल एजेंट होते हैं वो एक दूसरे के

वो कह रहा है किसी पार्टनर को तुम लॉसेस से मुक्त कर सकते हो क्या कर सकते हैं अगर एग्रीमेंट में लिखा है तो एग्रीमेंट में लिख दिया कि बेटा तुझे लॉस नहीं मिलेगा चिंता मत कर हम बैठे तेरे लिए तो फिर वो लॉस आपका नहीं झेलेगा यस इफ अ पार्टनरशिप डीड भावनाओं में मत बहना नहीं नहीं ऐसे कैसे लॉस सबको लॉस मिलता है यार मतलब लॉस नहीं देना किसी को तो एग्रीमेंट में दिखाओ इन केस ऑफ पार्टनरशिप द एक्ट ऑफ एनी पार्टनर इज बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स वो कह रहा है कोई भी पार्टनर कुछ करता है तो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है सारे पार्टनर्स पे बाइंडिंग होगा सबको अधिकारों मतलब का जो अधिकार है वो सबके ऊपर होगा तो ये बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स होना चाहिए ठीक है इसके अलावा कुछ नहीं सोचना आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड टू द पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड टू द पार्टनर्स इफ प्रोवाइडेड फॉर इन द पार्टनरशिप डीड बट ओनली आउट ऑफ दोस्तों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी दिया जाता है जब फॉर्म को प्रॉफिट होते हैं तो कहां है आउट ऑफ प्रॉफिट्स आएगा इसका आंसर आउट ऑफ प्रॉफिट्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स वॉट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन दिन दो ना कम से कम अब पागल वाला क्वेश्चन पचास सौ कुछ नहीं दो आंसर है इसका दो आंसर है दो दो पार्टनर होने चाहिए कम से कम करेंट अकाउंट ऑफ पार्टनर अंडर विच मेथड दोस्तों फिक्स मैथड में दो अकाउंट मेंटेन में होते हैं फिक्स कैपिटल मैथड में एक आपका कैपिटल अकाउंट दूसरा करेंट अकाउंट तो फिक्स मैथड है इसका

ए एंड बी आर पार्टनर ए भी दो पार्टनर है अब दोस्तों प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गए ठीक है।, है मैं कराऊंगा लेकिन ये भी स्पीड से ही होंगे ठीक है तो बात को समझना ए बी दो पार्टनर है इक्वल शेयर है दे एडमिटेड सी एज अ पार्टनर विद एन इक्वल शेयर गिविंग हिम अ गारंटी ऑफ मिनिमम पचास हजार प्रॉफिट अच्छा सी को गारंटी मिली है पचास हजार प्रॉफिट मिलेगा द प्रोफिट फॉर फॉर द ईयर आफ्टर सीज सीज एडमिशन वॉस वन लाख ट्वेंटी बात को समझो प्रॉफिट कितना कमाया इन्होंने एक लाख बीस एक लाख बीस में तीनों का शेयर कितना होगा चालीस चालीस हजार चालीस हजार चालीस हजार वॉट विल बी द नेट अमाउंट दैट विल बी क्रेडिट टू एज कैपिटल जो गारंटी दी है दोस्तों ए और बी दोनों ने दी है तो वो जो इसको दस हजार रुपये देने हैं ना उसमें पाँच पाँच हजार आपको ए और बी से लेने पड़ेंगे पांच पांच हजार ए से लेने पड़ेंगे तो बताओ ए को कितना मिलेगा ए के अकाउंट में कितना क्रेडिट होगा पैंतीस आंसर सी खत्म बात नमस्ते टाटा ऐसे -टा, आंसर निकालना आपको एग्जाम में जबरदस्त तरीके से ठीक है हाँ पार्टनर विदड्रॉज एन इक्वल अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ वो कह रहा है अगर पार्टनर विड्रॉ करता है हर महीने की स्टार्टिंग में फॉर अ पीरियड ऑफ टेन मंथ्स बात को समझना दस महीने के लिए पैसे निकाले उसने वट विल बी द एवरेज फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दोस्तों का एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्म होता है. Drawings, बताओ, दस महीने तक निकाल रहा है वो पहले बार जब निकालेगा स्टार्टिंग में तो दस महीने बचेंगे drawings, plus, जब वो आखिरी में निकालेगा तो एक महीना बचेगा क्योंकि बिगिनिंग में निकाल रहा है ना महीने की तो प्लस लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिड टू डिट आता है आंसर 5.5 पॉइंट फाइव क्वेश्चन इफ एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड इन द रेशियो रेश टू वो कह रहा है एक्स और वाई पार्टनर्स हैं प्रॉफिट्स और लॉसिस का रेशियो आपका थ्री टू टू है कैपिटल्स पांच लाख है दोनों की अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दस परसेंट है देखो एक्स और वाई की कैपिटल पांच पांच लाख है ना तो उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब आप दोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दस परसेंट तो पचास हजार और पचास हजार दोगे ठीक है प्रॉफिट ऑफ द फॉर्म फॉर द ईयर इज फिफ्टी थाउजेंड वो कह रहा है प्रॉफिट पचास पचास हुआ वॉट विल बी द अमाउंट वॉट अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू एक्स एंड वाई इन सच कंडीशन वो कह रहा है एक्स और वाई को कितना कितना अमाउंट मिलेगा देखो पॉसिबल नहीं है कि पचास हजार के प्रॉफिट में से आप पचास पचास की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो तो जब भी आपका अप्रोप्रेशन ज़्यादा होता है प्रॉफिट से उस केस में प्रॉफिट्स अप्रोप्रेशन के रेशियो में बांटे जाते हैं तो यहाँ पर रेशियो कितना आएगा अप्रोप्रिएशन का वन इज टू वन तो इस पचास में पच्चीस पच्चीस दोनों में क्रेडिट होगा ठीक है पच्चीस हजार टू ए एंड बी पच्चीस हजार टू ए एंड बी बी आंसर है इसका क्वेश्चन मैनेजर इज टू कमीशन कमीशन ऑफ ऑफ आफ्टर चार्जिंग सच वो कह रहा है मैनेजर को कमीशन देना है आपको दस परसेंट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन दस परसेंट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का मतलब होता है अगर आपको नेट प्रॉफिट दिया है तो इसमें वो प्रॉफिट ऑलरेडी दस परसेंट इंक्लूडेड है वट विल बी द अमाउंट ऑफ मैनेजर्स कमीशन तो मैनेजर कमीशन निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे दस से डिवाइड करेंगे एक सौ दस से सर एक सौ दस से क्यों इसमें इंक्लूडेड है इट मीन इट इंक्लूड्स टेन परसेंट सो दैट इज वाई यू हैव टू डिवाइड इड बाई वन हंड्रेड एंड टेन इन ऑर्डर टू गेट द वन परसेंट और दस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका दस परसेंट आएगा मैनेजर्स कमीशन ठीक है ग्यारह से काटते हैं ग्यारह कम ग्यारह ग्यारह दुनी बाईस इतना आ रहा है बारह हज़ार आ रहा है बारह हज़ार आ गया आपका दोस्तों कमीशन

इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था दस आपने दे दिया आठ इन द रेक्टिफाइंग एडजस्टमेंट एंट्री क्यू विल बी अब इसको मैं कराऊंगा थोड़ा आराम से क्यू विल बी सबसे पहले तो वो जो दो परसेंट आपने उसको कम दिया उसको दे दो ठीक है दो परसेंट उसकी कैपिटल कितनी है बताओ ना उसकी कैपिटल कितनी है इसका निकालना क्यू का अस्सी हजार कैपिटल है अस्सी हजार का दो परसेंट दो ना कितना दोगे उसको उसका दो परसेंट आएगा दोस्तों सोलह सो ये उसको क्रेडिट कर दो उसकी कैपिटल में क्रेडिट कर दो ठीक है अब आपको इसमें इसको भी दो परसेंट देना होगा पी को यानी कि एक लाख का दो परसेंट एक लाख का दो परसेंट कितना होता है दो हजार लेकिन सर वो आंसर तो क्यों का पूछ रहा है पूछने दो आपको इसको इंटरेस्ट देना है दो हजार इसको इंटरेस्ट देना है दो परसेंट सोलह सो टोटल इंटरेस्ट कितना देना है छत्तीस सौ यानी फार्म का लॉस नहीं हो जाएगा और फार्म का लॉस बटेगा पार्ट ट्रस्ट में अगेन तो वो पार्ट डस में डेबिट होगा 3600 का लॉस आप 2:1 में बांटोगे तीन से डिवाइड करो 3600 को 3600 के लॉस को आप तीन से डिवाइड करो कितना होता है 1200 12 दूनी 2400 2400 और 12 कम 1200 दोस्तों क्यू का अकाउंट आपको 1600 से क्रेडिट करना है 1200 से डेबिट करना है अल्टीमेटली कितने से क्रेडिट करना है 400 आंसर आएगा 400 इस

आप देखो ध्यान से देखना इसमें वो कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपको क्या मानना है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज वन लाख रुपीज आपका एक लाख का प्रॉफिट दे रखा है मुझे बताओ एक लाख का तो प्रॉफिट है ठीक है इसमें आपको इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना दस परसेंट इनकी कैपिटल कितनी आठ लाख छह लाख आठ लाख और छह लाख पे जब आप इंटरेस्ट दोगे अस्सी हजार और साठ हजार आएगा एक लाख चालीस हजार एक लाख चालीस का इंटरेस्ट आपको पे करना है और आपके पास प्रॉफिट कितना है एक लाख तो चालीस हजार लॉस होगा चालीस हजार का लॉस दोस्तों अब वो पूछ रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन तो करेक्ट ऑप्शन देने के लिए पहले मुझे सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी चालीस का लॉस बांटो सब में चालीस का लॉस बांटो दोनों में ये कौन सा रेशो बटेगा फाइव इज टू थ्री में आठ से डिवाइड करेंगे तो पाँच आएगा पाँच पंजे पच्चीस हजार और पंद्रह हजार ये दोस्तों लॉस है जो दोनों में बटेगा ये वो लॉस है जो दोनों में बटेगा और इनको जो इंटरेस्ट मिल रहा है कैपिटल पे वो मिलेगा अस्सी हजार और साठ हजार अब आप खुद कैलकुलेट कर लो कैलकुलेटर पे या हाथ से कौन सा अकाउंट किसका कितना क्रेडिट होगा और कितना डेबिट होगा इसमें सब में क्रेडिट दिखा रहा है सिंपल लैंग्वेज में देखो आप इसको इंटरेस्ट दे रहे हो अस्सी हजार का और इसको लॉस कितना दे रहे हो पच्चीस अस्सी हजार उसको क्रेडिट कर रहे हो और पच्चीस उसको डेबिट कर रहे हो तो अल्टीमेटली कितना क्रेडिट करोगे फिफ्टी फाइव साठ हजार का इंटरेस्ट दे रहे हो और पंद्रह थाउजेंड तो आपको बात को समझना पड़ेगा इंटरेस्ट कैपिटल देने के बाद लॉस भी बटेगा तो अल्टीमेटली कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी पचपन और पैंतालीस से अगला एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है प्रॉफिट्स लॉस इक्वल है कैपिटल दे रखे इकतीस मार्च को अस्सी साठ चालीस पर्सनल एसेट्स हैं बीस पंद्रह दस पर्सनल एसेट्स एक्सटेंट ऑफ द लाइबिलिटी ऑफ इन द फॉर्म वुड बी वो कह रहा है फॉर्म में इनकी लाइबिलिटी कितनी होगी इन्होंने कैपिटल दे दी ना फॉर्म में अरे बोलो ना कैपिटल दी कि नहीं दी दे दी इसके अलावा इनके पास घर में बीवी के गहने बेच के कितना पैसा आएगा बीस पंद्रह दस तो वो जो बीवी के गहने बेच के जो पैसा आएगा ना बीस पंद्रह और दस फॉर्म की लाइबिलिटी चुकाने के बाद अगर इनको घर का पैसा यूज करना होगा तो वो जो बीवी के गहने बेच के पैसा यूज करेंगे वो इतनी ही लाइबिलिटी यूज कर पाएंगे जितने बेच के पैसा आएगा तो मैक्सिमम लाइबिलिटी कितनी होगी जितना बीवी के गहने बेच के पैसे आएंगे बीस पंद्रह और दस मैक्सिमम लाइबिलिटी यही आपका आंसर है बी बीस पंद्रह दस ए एंड बी आर पार्टनर्स बी ड्रॉस अ फिक्स्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ वो कह रहा है बी हर महीने के एंड में पैसा निकालता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज चार्ज एट द रेट फिफ्टीन परसेंट एनम आई आपका फिफ्टीन परसेंट है एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट ऑन बीस ड्रॉइंग्स अमाउंटेड टू एट टू फाइव जीरो तो वो कैरा बी की ड्रॉइंग का जो इंटरेस्ट था बताओ दे रखा है उसने इंटरेस्ट ऑन ड्राॅइंग्स आठ हज़ार दो सौ पचास ड्राॅइंग्स ऑफ बीवर तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है आपका मंथली ड्रॉइंग्स इन में बारह ठीक है इंटू रेट अपॉन हंड्रेड इंटू एवरेज पीरियड अपॉन में दो सौ पचास दे रखा है एक काम करते हैं इसको डायरेक्ट एक्स मानो ना हमें ड्रॉइंग्स निकालनी है टोटल इसकी हमें टोटल ड्रॉइंग्स निकालनी है या ट्वेल्व एक्स ही रखते हैं मंथली ड्रॉइंग का आंसर दे रखा है देखो बारह हजार पर मंथेंड पर मंथ ट्वेल्व एक्स इंटू रेट कितना दे रखा आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंक अपॉन हंड्रेड इंटू फिफ्टी एवरेज पीरियड कितना आएगा हर महीने के एंड में निकालता था वो एवरी मंथ तो ये आएगा फाइव पॉइंट फाइव फाइव पॉइंट फाइव डिवाइड बाई ट्वेल्व ठीक है अब एक काम करते हैं इसको कर देते हैं पचपन इसको कर देते हैं एक सौ बीस अब उधर जाके इसको डिवाइड कर देते हैं ऑल राइट right, तो दोस्तों अब टाइम आ गया कैलकुलेटर यूज करने का तो यहाँ पे आएगा पंद्रह इंटू पचपन आठ सौ पच्चीस इंटू बारह डिवाइडेड बाय सौ इंटू एक सौ बीस क्या हो जाएगा बारह हज़ार पॉइंट एट टू फाइव आ रहा है दोस्तों पॉइंट एट टू फाइव आ रहा है अब यहाँ पे हम निकालेंगे एक्स इज इक्वल टू एट टू फाइव जीरो डिवाइड पॉइंट एट टू फाइव दस हज़ार दस हज़ार पर मंथ आंसर आ गया दोस्तों दस हजार कित कहां दे रखा दस हज़ार बी ऑप्शन में दस हजार इसको सॉल्व करोगे यही आएगा मोहित एंड रोहित बस खत्म होने वाला है मोहित एंड रोहित वर पार्टनर्स पार्टनर विद कैपिटल्स ऑफ एट्टी एंड फोर्टी रेस्पेक्टिवली तो फॉर्म ऑन द प्रॉफिट ऑफ तीस हजार ड्यूरिंग द ईयर मोहित का शेयर कितना होगा प्रॉफिट में बताओ सिंपल क्वेश्चन बराबर होगा पंद्रह हजार होगा बेकार क्वेश्चन पंद्रह हज़ार अरे नहीं दे रखा ना तो पंद्रह हज़ार शेयर होगा आधा

अक्टूबर को लोन दिया था उसका आधा छह महीने का इंटरेस्ट लगेगा तीन हजार तो से तीन हजार पहले हटाओ 87 ,000, 87 ,000, 87 ,000 का आपका प्रॉफिट है है तो उसका जो रेशियो दे रखा एस एवं थ्री, थ्री दोस्तों तो ट्वेंटी आपके क्वेश्चन खत्म होते हैं पच्चीस और ऑलमोस्ट पचास के आसपास क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं गुडविल मिला के हम पाँच सौ के अराउंड क्वेश्चन कवर करेंगे टोटल दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दो और लाइक और कमेंट भी कर दो और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है और अगर आप चाहते हो ये वीडियो हम लाइव में लेके आए तो लाइव प्रॉब्लम भी मैं आपको सॉल्व करा सकता हूँ क्योंकि हमारी पूरी टीम आपकी हेल्प करेगी तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय हेलो बच्चों कैसे हैं आप मैं सी एस सी में संतोष कुमार मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक, एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट अंडर द ब्रांड नेम ऑफ एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड मेरे बच्चों इस सक्सेस को हमने पाया कॉमर्स के स्टूडेंट्स से किसी भी कोर्स के हो वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिनस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए